हेलो, मैंने ही भेजा था वो मेल। एक प्रोजेक्ट नहीं हैंडल होता तुमसे, इसी बात के पैसे लेते हो तुम। अपने काम पर ध्यान दो और मुझे बार बार फोन करना बंद करो। Just calm down. मैं जानती हूँ तुम प्रिया पर गुस्सा हो, लेकिन अपने एम्प्लॉइज के साथ इस तरह का बर्ताव सही नहीं है। क्या करूँ मैं फिर? उस प्रिया की वजह से पूरी फैमिली टेंशन में और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तुमने दादाजी को देखा ना, कितने स्ट्रेस में थे वो। जानती हूँ, लेकिन इस सिचुएशन को बहुत कामली और पेशेंस के साथ हैंडल करना पड़ेगा तुम्हें। अगर तुम ही अगर अपना आपा खो दोगे तो तुम घर वालों का ख्याल कैसे रखोगे, खासकर टेनी। टेनी का? हाँ पार्थ। टेनी को क्या हुआ? वो जब से प्रिया ने कोर्ट की नोटिस भेजी है तब से वो बहुत स्ट्रेस में है। पता नहीं आज तो किसी छुटकन को बुला लिया था और उसके पास से किसी पप्पू भैया या किसी को तो फोन करवा रही थी वो प्रिया को किडनैप करने के लिए। बट उस वक्त तो मैंने उसे रोक लिया, समझा भी दिया। ये टेनी भी ना, क्या जरूरत है उसे ये सब करने की। एनीवे, थैंक्स जो तुमने संभाल लिया, नहीं तो बात और बिगड़ जाती। लेकिन पार्थ, मैंने टेनी को इतना कमजोर कभी नहीं देखा था पहले। बहुत डरी हुई है वो। मैं जानता हूँ शोरवरी, टेनी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद उसका परेशान होना बहुत नेचुरल है, मगर जिस तरह से वो इस सिचुएशन को हैंडल कर रही है उससे बात और बिगड़ जाएगी। पर पार्थ, एक बार उसके नजरिए से भी तो सोच कर देखो। हमारे आने से पहले उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अकेलापन था। घर, प्यार, परिवार का प्यार, ये रिश्ते उसे सब अब मिले हैं। और प्रिया की नोटिस के बाद वो घबराई हुई है बहुत। मुझे लगता है तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, उसे तुम्हारी जरूरत है पार्थ। ठीक है, मैं बात करूंगा उससे। इप्सिता रो रही है। अरे तेरी टेनी माँ है ना। चुप 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 मेरी गुड़िया चुप। आज ना तेरी टेनी मम्मा तेरे को एक कहानी सुनाती है, एक सीक्रेट वाली कहानी जो मैं बचपन से सुनती आई। सारी दुनिया खुशी के पीछे दौड़ती रहती, पर जो खुशी है ना वो बहुत ही एक जिद्दी आइटम छे, इतनी आसानी से हमको नहीं मिलती। ऐसे तेरी टेनी मम्मा भी टॉर्च लेके निकल पड़ी खुशी को ढूंढने, पर समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर खुशी होती क्या। और फिर एक दिन तू पैदा हुई और मेरे सामने ऐसे धड़ाम से खुशी का ना पटाखा फूटा, तो मेरे को समझ में आया कि असली खुशी तो ये है ना मेरी गुड़िया। और फिर तेरे पापा ने मेरे को अपना लिया, सब घर वालों ने जी भर के प्यार दिया मेरे को, मेरी शर्वरी माँ ने भी दिल खोल के प्यार किया। तो टेनी को लगने लगा कि अरे वाह, अब तो जिंदगी पटरी पे आ गई है, अभी सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, हम सब अच्छे से रहेंगे। इप्सी गुड़िया, शर्वरी मम्मी, पारत पापा खूब खुश रहेंगे। फिर अचानक से प्रिया चुड़ैल की एंट्री हुई हमारी जिंदगी में और उसने ऐसा तूफान लाया कि टेनी को लगने लगा कि वो सब कुछ खो देगी और बहुत जल्दी सब कुछ हारने वाली है। इप्सिता को हिम्मत दे रहे हो कि वो रोए नहीं, तुम उसके साथ हो, फिर तुम खुद अपनी हिम्मत कैसे खो सकती हो। तुम ये मत बोलो कि मैं और शोरवरी दोनों तुम्हारे साथ हैं। प्रिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी अगर हम तीनों मिलकर उसका मुकाबला करेंगे तो। और अगर तूफान का दूसरा नाम दिया जाए तो मैं तो टेनी ही दूंगी, फिर ये तूफानी टेनी कैसे डर सकती है। तुम्हें तो प्रिया को मुंह तोड़ जवाब देना है हमारे साथ मिलकर, है ना। मुझ पे भरोसा करती हो ना तुम। एक ऐसे उलझल सवाल पूछ रहे थे। तो फिर ये बड़े बड़े आंसू क्यों बहा रही हो, तुम पे सूट नहीं करते। अब चुप हो जाओ वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। हाँ, वैसे भी इस प्रिया ने इतनी टेंशन दी हुई है, अगर तुम दोनों भी रो पड़ोगी तो मेरे लिए मुश्किल पड़ जाएगी। नहीं, गंदे जोक मारता है ना तू पारस। क्या? कौन है? कौन? सॉरी, सॉरी, वेरी सॉरी। क्या कर रही थी? 12 बज गया ना, आपका बर्थडे हो चुका है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ऐसे मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं ही आपको विश करूं। वैसे रूपा, जो चला जाता है ना उसकी पुण्यतिथि मनाते हैं, बर्थडे नहीं। पर मैं तो आपका बर्थडे ही मनाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए ये मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन है। बेस्ट दिन क्यों? क्योंकि इस दिन आप पैदा हुए थे। अगर आप इस दुनिया में नहीं आते तो आप मेरी जिंदगी में कैसे आते? और मैं तेरी जिंदगी में नहीं आता तो दुनिया से कैसे जाता? ऐसे दिनों पे आप जाने की बातें क्यों करते हो? सॉरी। अब देखिए ना मैंने क्या क्या किया है आपके लिए, कितना सब कुछ किया। बलून जी, हैप्पी बर्थडे, वहाँ पे लेट्स सेलिब्रेट लिखा है, ये सब मैंने अपने हाथों से आपके लिए किया। कैसा लगा? मैंने सोचा था कि इस बर्थडे को आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट बर्थडे बनाओ। बुरा मत मानना रूपा, एक्चुअली क्या है ना, मेरी लाइफ का जो बेस्ट बर्थडे था ना वो तब मना था जब मैं 6th क्लास में था। हा? हाँ, तो अगर तू चाहती है कि इस बार भी मेरा बर्थडे बेस्ट बने तो वैसा ही मना जैसा 6th क्लास में मना था। मतलब? दादाजी, पापा जी, आज इनका बर्थडे है। हाँ हाँ बेटा, हम सबको मालूम है। तो मैं क्या कह रही थी कि मैंने ना उनके बर्थडे के लिए कुछ सोचा है। सोचा तो मैंने भी है। सोचा तो मैंने भी है। मैंने भी सोचा। आप भी सोचा है? मैं बोल लूँ पहले? पहले मैं बोल लूँ। हाँ, मैं क्या सोच रहा था कि लड्डू के जन्मदिन पर अनाथ आश्रम में कंबल बंटवा। प्रेमनाथ जी और मैंने सोचा हम घर में सत्यनारायण की पूजा रखेंगे। मैंने सोचा है कि मैं गरीब बच्चों को 20 मोबाइल फोन बांट दूंगी। वाह, मैंने सोचा है। सस्पेंडेड आदमी ना सोचे तो अच्छा है। हम सोचा है कि हम चर्च में जाके कैंडल्स जलाएगा लड्डू के लिए। वाह वाह, ये सबसे बेस्ट आइडिया ये है। दादाजी, आप सब जो सोच रहे हैं वो सब बहुत अच्छा है, पर मैं क्या सोच रही थी कि उनके बर्थडे पे हम पार्टी करें। पार्टी? पार्टी? अरे बेटा, जो इंसान है ही नहीं उसके लिए पार्टी कैसे करें? हाँ। अरे इनको बोल, मेरी आखिरी इच्छा है। इनकी आखिरी इच्छा थी हाँ कि हर साल इनके बर्थडे पे पार्टी हो। एक और आखिरी इच्छा। बेटा तू एक काम कर, या तो इच्छा बताना छोड़ दे या आखिरी लगाना छोड़ दे, है कि नहीं? सही सही कह रहे हैं आप। माँ को बोलना। मम्मी जी वो चाहते थे कि पार्टी हो। उन्होंने कहा था कि मैं रहूं या ना रहूं, पार्टी रहनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए। अगर लड्डू ने ऐसा खुद कहा था तो हम कौन होते मना करने वाले। पिताजी, आप मेरे लड्डू से प्यार नहीं करते थे। बहू, कैसी बातें कर रही है तू? अरे लड्डू से तो सभी प्यार करते थे। हाँ रूपा बेटा, पार्टी होगी और बहुत धूमधाम से होगी। ठीक है। खुश कैसे? वो मेन बात तो बोली नहीं। सॉरी। दादाजी, मेन बात तो मैं बताना ही भूल गई। क्या? उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि बच्चों की थीम वाली पार्टी हो। तो बच्चों की पार्टी? हाँ, तो उसमें क्या है भाई, मोहल्ले से सारे बच्चे बुला लो। भाई कटोरी के तो 2 बच्चे हैं, आपका नूडल और चाउमीन। नहीं, आप नहीं समझे। वो चाहते थे कि हम सब बच्चे बने। हाँ? मतलब इनका मानना था कि इनको अपने बर्थडे मनाने का सबसे ज्यादा मजा बचपन में ही आता था। बड़े होकर उन्होंने कभी बर्थडे पार्टी ही नहीं मनाई। रूपा बेटा, हम सब बच्चे कैसे बनेंगे? इसमें सोचने की क्या बात है दादाजी, आप ही तो कहते हैं हम सब के अंदर एक बच्चा है, बस उसी बच्चे को बाहर लाना है। समझ गया मैं, समझ गया। क्या? दादाजी, Just deliver the baby. Push. खुश. रूपा. हेलो टेनी. रूपा मेरी दोस्त, आज तो मैं तेरे को पक्का फोन करने ही वाली थी। तेरे को मालूम है कल रात को मेरे को तेरी ना ऐसी ताबड़तोड़ याद आई, मैंने पक्का डिसाइड किया था कि तेरे को फोन करूंगा। अगर तेरा नहीं आता ना मैं कर ही देती। फोन से काम नहीं चलेगा। तुझे पता है कितने साल हुए हमें मिले? ये बात तो तू सही बोल रही है, बहुत टाइम हो गया मिले हुए। नहीं, इसीलिए अभी फोन से काम नहीं चलेगा, हमें मिलना पड़ेगा। मिलना पड़ेगा मतलब? हमारे घर में एक छोटी सी पार्टी है और इस पार्टी में तुम्हें, शौर्वरी को और पार्थ को आना ही पड़ेगा। देख रूपा, तू ना मेरी पक्की वाली दोस्त है, तू अगर आवाज देगी ना तो मैं ऊपर से नीचे आ जाऊंगी, मरने के बाद भी आऊंगी। अभी तेरे को पता है ना हमारे घर में थोड़ा मासा चल रहा है, तेरे को तो सब मालूम होगा। अभी ऐसे में आना थोड़ा मुश्किल है। हाँ मुझे तुम्हारी सारी सिचुएशन पता है। तुम लोग आओ तो सही, बहुत मजा आएगा, बहुत एंजॉय करोगे और यहाँ से फ्रेश होके वापस जाओगे, प्रॉमिस। चल तू इतना बोल रही है तो तेरे को मना करने का सवाल ही नहीं उठता, हम आएंगे। पर मेरे को एक बात बता कि ये पार्टी है किस लिए? आज उनका बर्थडे है तो हमने सोचा कि उनके बर्थडे के लिए क्यों ना हम एक पार्टी रखें, क्योंकि जाने वाले को खुश होके याद करो तो उनकी यादें जिंदगी में और ज्यादा खुशियाँ भर देती है। अभी जो तूने बात करी ना उससे मेरे दिल में एकदम से धड़ाम हुआ। अभी मैं पक्का आऊंगी और मेरी ऐसी दोस्त जो सिकंजी की तरह इतनी मीठी मीठी बातें करती है, उससे शर्वरी और पारस को मिलाना तो बंद। थैंक यू टेनी, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। बाय। कुछ समझ नहीं आ रहा इस प्रॉब्लम से कैसे निकालूं सबको। क्या अचानक से क्यों मुझे ऐसे लेकर आ गई? कुछ बोलोगी भी? क्या बात है टेनी, बड़ी खुश नजर आ रही हो, कोई आइडिया मिला है क्या हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का? नहीं नहीं कोई आइडिया नहीं सूझा है, पर ना भगवान जी ने खुद आके मेरे को आशीर्वाद दिया है कि तेरी टेंशन नहीं ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बड़ी अजीब हो तुम। अरे इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, रास्ता मिला नहीं और तुम खुशियां मना रही हो। बात तो बहुत खास है सरवरी, इसीलिए तो मेरी टेंशन ने जयराम जी की बोल दिया और वो किडनैप हो गई। किडनैप? यानी मजाक का भी एक वक्त होता है। हम सब यहाँ पे इतने परेशान है और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अरे दिल्ली वाट पारक, मेरे को फर्क पड़ रहा है, मैं भी तुम लोगों जितनी परेशान हूँ। पर वो क्या है ना, मेरी सहेली है ना रूपा, उसका मेरे को फोन आया था और उससे बात करके मेरा मन एकदम खुश हो जाता है, इसीलिए मैं इतनी खुश हूँ। रूपा कौन? रूपा मेरे बचपन की सहेली, जब भी हम दोनों मिलते थे ना इतनी बातें छोड़ खी करके ना रायता फैला देते थे, फिर हमारे मोहल्ले का वो पागलों का जो सेरन हो जाता था ना वो भी बच जाता था, पर फिर भी हमारी खी खत्म नहीं होती थी। हाँ तो वो जो रूपा है ना उसका मेरे को फोन आया था, वो बोल रही थी कि उसके स्वर्गवासी पति जी है ना लड्डू जी, उनके जन्मदिन की खुशी में उसने घर पे पार्टी रखी है और मेरे को लगता है कि हमको ना वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि उसके पति की हमेशा से इच्छा थी कि उसकी जन्मदिन की पार्टी हो। टेनी, तुम्हारी फ्रेंड रूपा अपने हस्बैंड के लिए जो भी कुछ कर रही है मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर तुम हमारी कंडीशन में तो देखो, मीडिया के जरिए हमारे रिश्ते की बात पहले ही पूरे शहर में फैल चुकी है, ऐसे में हम लोग पार्टी कैसे कर सकते? टेनी इस वक्त पूरी दुनिया हम तीनों पर, हमारे रिश्ते पर उंगलियां उठा रही है। ऐसी हालत में अगर हम वहाँ चले गए तो उनकी पार्टी भी खराब हो जाएगी। मैं समझती हूँ जो तुम बोल रहे हो बिल्कुल ठीक है, पंचरवरी तू ही बोलती थी ना अगर गम में खुशी का कोई मौका मिले तो गन्ने के रस की तरह उसका पूरा रस निकाल लेना चाहिए, और फिर तू ऐसी बातें कर रही है। अब जब खुशी हमारा दरवाजा खटखटा रही है आगे बढ़ के तो हमें जाना चाहिए, क्या पता उनकी खुशी में शामिल होके हम भी थोड़ी देर के लिए अपने गम भूल जाएं और हमें भी कोई रास्ता सूझ जाए। अरे वो गाना नहीं सुना तुमने? अच्छा चलो मेरे लिए नहीं, पर उसके स्वर्गवासी पति की आत्मा की शांति के लिए तो हमें जाना चाहिए ना। और फिर क्या पता अपने गम से चीटिंग करके हम सब भूल जाएं थोड़ी देर के लिए। टेनी तुम बात को समझती क्यों नहीं हो? टेनी इस हालत में हम अगर वहां गए और रूपा के घर वालों ने हम तीनों का रिश्ता नहीं समझा, कुछ और ही बात हो गई तो क्या करेंगे? सरदारी तेरे को क्या लगता है? मैंने इस बारे में नहीं सोचा होगा, मैंने इस बारे में पहले ही रूपा से बात कर ली और रूपा ने मेरे को बताया उसके घर वालों की सोच बिल्कुल अलग है, उन्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ना मैंने दादाजी से भी परमिशन ले ली है और उनको गारंटी दी कि वहाँ कोई न्यूज फ्यूज वाला, कोई मीडिया चैनल फैनल वाला नहीं होगा। पार्थ, अगर ऐसी बात है तो चलते हैं ना, क्या पता वहाँ जाने के बाद इतनी देर के लिए ही सही हम अपनी टेंशन भूल जाए और शायद हमारी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन भी मिल जाए। एकदम सही बोला तूने अभी। भारत चलना। अच्छा ठीक है, चलते। चलेगा? अरे वाह, यस। और मेरे को ना रूपा ने बताया था कि जन्मदिन की कोई वो थीम है, ऐसे स्पेशल कपड़े पहन के जाते हैं ना, और वो है मेरा तेरा बचपन, तो उसके हिसाब से हमको कपड़े जुगाड़ करने पड़ेंगे। तेरा मेरा बचपन बेस्ट थीम है, बहुत मजा आएगा। एक मिनट, ये पार्टी में जाने तक तो ठीक था, लेकिन ये थीम कॉस्ट्यूम मैं नहीं पहनने वाला, तुम दोनों पहनो। सॉरी। ठीक है, तेरे को जो पहनना है ना वो पहन के जाएंगे, बस तू चल। ठीक है? हाँ ठीक है, तो मैं माँ को इन्फॉर्म करके आता हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। रूपा, हम आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं सब? कौन प्रेमना? मैं तो टिल्लू हूँ आंटी। आंटी? हाँ आंटी, मैं टिल्लू हूँ, मोहल्ले का सबसे शैतान बच्चा। वो ना मेरा दोस्त है लड्डू, उसका शाम को बर्थडे है, तो 15, 20, 30 चीजें ऐसे तोड़ के जाऊंगा ना, तो बर्थडे में मजा आएगा। यहाँ चीजें तोड़ोगे तो बर्थडे में मजा आएगा। हाँ, आप भी तोड़िए ना, आप भी तोड़िए। अरे ये क्या कर रही है आंटी? आंटी कौन आंटी? मैं तो टिल्ली हूँ, दिमाग से थोड़ी ढिल्ली हूँ। तुझे बुरी नजर से बचाए भगवान, जीता रहे। आ लल्ला लल्ला लोरी। राज तुम ये बच्चा लोग राइम क्यों गा रहे? अरे क्योंकि लड्डू की बर्थडे पार्टी में मुझे बच्चा बनना है ना। इतना छोटा बच्चा? हाँ, छोटा बच्चा। जितना छोटा बनूंगा उतना ही तो अच्छा रहेगा ना, उतना ही यंग लगूंगा मैं। राज, तुम यंग नहीं है और होगा भी नहीं, और हम लोग को बच्चा बनने का एक्टिंग करना है, सच में बच्चा नहीं बनना है। उसको छोड़। अच्छा मुझे ये बता, तू जो बच्ची बनेगी ना, कौन सी क्लास की बच्ची बनेगी? हम सोच रहा है कि हम 4th स्टैंडर्ड का बच्चा बनेगा। तो मैं भी 4th स्टैंडर्ड का। But why? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं तेरे बराबर हूँ। तुम वो कैसे लगेगा? तुम तो हमसे 4 to 5 times बड़ा है ना। किसने बताया तुझे? प्रेमनाथ ने। इस प्रेमनाथ कछुए को तुम टेकड़ों दबा देना। यही रूपा का घर छे। हाँ। पर यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा, कहीं ये लोग हमको इनवाइट करके खुद तो पार्टी करने नहीं चले गए। अरे दिल्ली वाट पर तो कुछ भी बोलता है, ऐसा थोड़ी ना होता है कोई अपने घर बुला के चला जाएगा। रुक, मैं बुलाती हूँ ना अभी रूपा को। अरे मुझे नहीं लगता है टेनी घर पे कोई है, किसकी आवाज भी तो नहीं सुनाई दे रही। रुक ना एक सेकेंड। रूपा क्यों चिल्ला रही हो? देखो ना कितनी शांति है घर में। आप कौन? आ रहा हूँ। लगता है हम गलत घर में आ गए। सॉरी डिस्टर्ब यू। नहीं, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, हम पहले से डिस्टर्ब हैं। सॉरी यार, कंटिन्यू आगे। अरे वो सब छोड़ो, चीजें पकड़ो। चल शोरवरी चल। आजा भारत। वही जाना ठीक रहेगा। क्या ये घर गिर तो नहीं जाएगा? अरे घर नहीं गिरेगा, चीजें गिरती है, चीजें पकड़ो बस। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे बड़ा मजेदार घर है ये, मुझे बहुत हंसी आ रही है। हाँ शर्वरी, ये घर है ही ऐसा, यहाँ जो आता है ना मुस्कुरा के ही जाता है। अरे पकड़ो, लेकिन तुमने लाइफ में एक अच्छा काम किया है, रूपा जैसी दोस्त बनाई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे पर ये रूपा कहाँ है? आओ। हाय टेनी, हाय शर्वरी, हाय पार्थ, हाय। तुम लोग कब आए? जब ये तुम्हारी फ्रेंड डियर आई। सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी, तभी मैंने देखा नहीं। ये है मेरे मम्मी जी और पापा जी। ओ, और ये है मेरे दादाजी। इंस्पेक्टर जितेंद्र अवस्थी। सस्पेंडेड, निकाला नहीं गया। मैं शालिनी। हाँ, माय वाइफ। और ये मेरी नर्स नर्स। अच्छा लग रहा है कि तुम लोग यहाँ आए। हमको भी तेरे को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। पर एक बात बता, तू एकदम बड़ी होने की वजह छोटी कैसे होती जा रही है? एकदम बच्ची लग रही है। सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे घर के सभी सदस्य बच्चे ही लग रहे हैं। आज हम सिर्फ लग रहे हैं, वैसे हम मन से बच्चे ही हैं सबके सब। खड़े क्यों, बैठो ना बेटा। चलो 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 चलो। बहुत अच्छा हुआ कि तुम लोग मेरे पति के बर्थडे पे ले आए। हैप्पी बर्थडे लड्डू, ये मेरे पति के बर्थडे के लिए तुम लोग आए हो ना? हैप्पी बर्थडे लड्डू। वो क्या है ना, तेरे घर में आके एक बार तो हमारा सर चकरा गया था, पर तेरे घर का माहौल एकदम मस्त है। एक पल को तुम्हें अपनी परेशानी भूल गई। सच कहूं तो पहली बार किसी के घर जाते तो कितना फॉर्मल बिहेव करना पड़ता है, लेकिन आप तो बहुत कमाल के, मुझे बहुत हंसी आ गई थी। थैंक यू है कि नहीं? मुझे कमाल का कहा है, थैंक यू। वाल मुझे कमाल का कहा है। मुझे 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 बोला है। अरे पूछो मुझे कहा है। आप सब कमाल के हैं। इस घर में हम सब हंसते खेलते रहते हैं। यहाँ जो भी आता है अपनी परेशानी भुला के जाता है। यहाँ आकर हमें देख के परेशानी खुद परेशान हो जाती है। बेटा अर्जुन जी नहीं, पार्थ। पार्थ, मैं एक ही बात। वैसे तो रूपा ने बताया कि तुम्हारी दो पत्नियां हैं। नहीं, मेरा वैसा कोई मतलब नहीं था। मैं समझ सकता हूं, जिंदगी में ऐसे हालात आ जाते हैं जब आदमी के हाथ में कुछ नहीं होता, लेकिन तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, दोनों रिश्ते अच्छी तरह से निभा रहे हो, तो दोनों तुम्हारे साथ खुश हैं। भगवान तुम तीनों को खुश रखे। well, दादाजी, आपके मुंह से इतनी दुआएं अच्छी नहीं लगती। तेरा गाल भी काफी देर तक खाली अच्छा नहीं लगता। अरे नहीं, आप लोग टेंशन मत लो, इनका रोज का ही है कि नहीं? वैसे एक बात बोलूं तो तुम तीनों भी अपने रिश्ते को लेकर ज्यादा टेंशन मत लो। जो मन को अच्छा लगे, सही लगे, वो ही करना। हाँ, जैसे हमें बच्चा बनना था और हम बच्चा बन गए। बन गए। ए रूपा, ये लोग क्यों नहीं बने बच्चा? इनको बोलना ये भी बने। अरे हाँ, तुम लोग भी बच्चा बन जाओ ना हमारे साथ। बच्चों वाली थीम की पार्टी है। एक्चुअली वो हमने सोचा कि सोचने का नहीं इस घर में आने का, तो अपना दिमाग बाहर छोड़ के आने का। हम सबने तो बाहर ही छोड़ा हुआ है। ए प्लीज बी अ स्पॉट, प्लीज बच्चा बनो ना, प्लीज 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 बी अ स्पॉट। मैं रेडी हूँ, तो क्या बोलती है पार्टनर? मैं जानती हूँ तुम्हारी लाइफ में बहुत टेंशन है इस वक्त, लेकिन वो सारी टेंशन भूल जाओ और हमारे साथ बच्चा बन जाओ, बहुत मजा आएगा। प्लीज 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 बच्चा बनो ना प्लीज। हम बच्चे बन के लड्डू जी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। Excuse me guys, मैं ऐसे ठीक हूँ, तुम दोनों बच्चा बनो, मुझे नहीं। अरे यार एकदम बोरिंग है तू पार्थ। चल हम चलते, चलो चलो चलो। प्रेम लता गर्ल्स कहा उसने, तभी तो जा रही हूँ। वेरी गुड मम्मी जी। पार्थ बेटा एक बात बता यार, हमसे तो एक नहीं संभलती, तुम दो कैसे संभाल लेते हो? हाँ यार। मुझे तो अभी भी पहली वाली का इंतजार है। पहली? पहली के बाद वाली पहली। मैं समझा नहीं। मतलब के जो पहली थी वो तो गई, तो पहली के बाद जो दूसरी आएगी ना वो पहली। क्या हुआ? पहली समझ में नहीं आई? नहीं आई। आ जाएगी अभी तो हो रहा है। आ जाएगी। हंस लो कोई मौका मत छोड़ना बाहर वालों के सामने बेइज्जती कराने का। पहली बात की पहली आ जा। वेल वेटिंग फॉर वाइफ्स। हाँ काफी देर हो गई। अरे भाई लड़कियों को तैयार होने में बहुत टाइम लगता है, तुम्हें पता है? एक बार मैंने अपना बर्थडे वाले दिन नहीं बनाया। पूछो क्यों? क्योंकि वो पूरा दिन मेरी बीवी ने तैयार होने में निकाल दिया। ठीक है। अरे बस बच्चे बने हो तो बातें मत करो। बच्चे बातों पे यकीन नहीं करते, खेल कूद पे यकीन करते हैं, तो खेल कूद शुरू किया जाए। रेडी? रुमाल झपटता, एक तरफ है टेनी की टीम और एक तरफ है शॉर्वरी की टीम। टेनी की टीम से सबसे पहले आ रहे हैं पवनी। कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर है। रूपा, मैं भी तो खेलूंगा। एक मिनट, हेलो, मैं भी तो खेलूंगी। किसके साथ? अकेली। अच्छा खेल बेटा खेल। सॉरी मुझे नहीं खेलना। सॉरी मैं उठा ही नहीं सकता हूँ ना। सॉरी ये हाल किया ना मेरा। सॉरी नहीं मुझे खेलना ही नहीं। वेरी गुड भाभी। तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर है शॉर्वरी। अरे वाह क्यों? ये मेरा है। पर खाली तो है? नहीं, खाली नहीं है, मतलब खाली है लेकिन ये शायद मेरा है, मैं हमेशा इसी पे बैठती हूँ ना। ठीक है, तुम्हारा घर है, जहाँ मर्जी बैठो। हाँ, थैंक यू। इधर बैठ जा। हाँ, इधर आजा। दादाजी। बैठ जा, बैठ जा। अब क्या हो गया? ये भी मेरी चेयर है। इस वाली चेयर पे बैठकर मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, उस वाली चेयर पर डिनर करती हूँ। हाँ। ये आउट हो गया। आप आउट हो गए। हाँ? हाँ। Thank God. Sorry. हाँ। Sorry. हाँ। हाँ। आप नहीं कर पाओगे ना, आप तो। हर बार यही बोल के मैं नहीं कर पाऊंगा। बर्थडे मनाया किस लिए मैंने? अरे पर, हर बात पर उठ जाते हैं। हम तो बच्चे बने हैं, ये तो बच्चे हैं ही। ए रूपा, ये उतना नहीं है। इधर इतना कोशिश कर रही थी। यहाँ पहुंच। क्या हुआ? बर्थडे किसका है? आपका। अकेले के खेलती जा रही है। अरे मुझे भी तो बच्चा बनना था। और आप कैसे कर? लेकिन क्या मैं देखता ही रहूंगा कि बस ऐसे खड़ा होके? लेकिन आप कैसे कुछ करोगे, मतलब मैं क्या करूँ, आप बताइए ना। ए रूपा, किससे बातें कर रही है तू? है अपने पति से। क्या? हाँ, मैं एक बात बताऊँ, ये ना सिर्फ मुझे दिखते हैं, किसी और को नहीं दिखते। सच्ची? हाँ। चल गया क्या तेरा? पानी वानी लेके आओ तेरे लिए। मुझे पागल समझ रही हो? नहीं नहीं, मेरा मतलब है मुझे ऐसा लगता है कि वो हमेशा मेरे आसपास है, मैं हमेशा उन्हें अपने साथ ही महसूस करती हूँ। मुझे हिम्मत देते रहते हैं, कदम कदम पर मुझे संभालते हैं। ज्यादा हो रहा है। अच्छा, समझ गई ना तू? समझ गई। चल ना, मेरे को बहुत प्यास लगी है, पानी दे दे। चल। हाँ, पानी वहाँ है, तुम जाओ, मैं अभी आई। जाओ जाओ। हाँ आजा। हाँ, आप मेरे साथ चलिए, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। हाँ? मैंने कुछ सोचा है, चलिए। हाँ, मतलब जल्दी आइए। बैठिए, चेयर पे बैठिए। बैठू क्यों? बैठ के तो ऊपर से भी देख सकता हूँ। बच्चा बनना है ना। वही तो बना रही हो ना, बैठिए। ऊपर देखिए। टोपी आपको पहननी थी ना, टोपी। हाँ, ये अच्छा है। अच्छा, एक सेकंड ना, एक मिनट सुनिए। हाँ बोल बेटा। ये जो चेयर है वो चेयर नहीं है। है? तो क्या है? कुर्सी। नहीं दादाजी, मेरा मतलब है कि इस चेयर पे आपके पोते बैठे हैं। बिल्कुल आपकी तरह उन्होंने भी टोपी पहनी है, देखिए। अरे रूपा बेटा, फिर से शुरू मत कर देना ये सब। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है मम्मी जी कि मान लीजिए ना कि वो इस चेयर पे बैठे हैं, आज इनका बर्थडे है ना, उनको कितना अच्छा लगेगा अगर सब मिलकर उन्हें विश करेंगे, है ना। मम्मी जी, वो जहाँ पे भी होंगे उनको सच में बहुत अच्छा लगेगा। जहाँ भी होंगे मतलब यही तो हूँ। बोलना पड़ता है ना। प्लीज मम्मी जी। अच्छा ठीक है, वैसे तो हमारा लड्डू हमेशा हमारे साथ रहता है। आज बेटा तेरे लिए मान लेते हैं कि लड्डू यहाँ बैठा है, ठीक? हैप्पी बर्थडे लड्डू बेटा। थैंक यू माँ। पैर छू रहे। अच्छा आशीर्वाद। खुश? हाँ बहुत खुश बेटा। माँ से पूछ। हाँ ये एंटीना क्यों लगाया? मम्मी जी आपने ये एंटीना क्यों लगाया? अरे रूपा बेटा तुझे मालूम नहीं ये एंटीना नहीं है। सालगिरह की मुबारकबाद दे रहा हूँ। राज, what is सालगिरह? सालगिरह नहीं, सालगिरह। Okay, what is सालगिरह? सालगिरह सगाई, सगाई, सगाई। किसका सगाई? किसका सगाई? शादी, शादी, शादी। हाँ? लड्डू का शादी? बर्थडे, बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बोलते? हैप्पी बर्थडे? हैप्पी बर्थडे लड्डू। हाँ, चल अच्छा है। सब टोपी क्यों लगा जाते हैं? मुझे क्या पता? टेनी, शॉर्वरी, पार्थ, आप लोग भी विश कीजिए ना इनको। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे लड्डू जी। थैंक यू। ये थैंक यू कह रहे हैं आप सबको। अब तो आप खुश हो? बहुत। ए रूपा। हाँ। एक चीज और चाहिए। बोलिए ना। मुझे वो बच्चों वाली टाई भी लगा देना। टाई कैसे लगाऊं? तो वाटर बॉटल बच्चों वाली। वाटर बॉटल? हाँ वाटर बॉटल लगा दे। अब मैं आपके लिए वाटर बॉटल भी लगाऊं। सर पे पहनूंगा क्या? तो आप ही को पहनना था ना। अरे तो कहीं ऐसे ऐसे लगाते ना, कंधे पे लगाना। आपके कंधे पे कैसे? इधर लगा देना। हाँ गुड आइडिया। क्या? नहीं बजाना। अरे बजा मुझे। लड्डू भैया का बर्थडे है। तुम अरे ट्राई तो कर दे कैसे। अच्छा ये गुब्बारा फुला। ये रहा। पकड़ पकड़ पकड़। अब ऐसे करके फुला फुला ना। 1 2 and wow! बस enough! क्या पागलों का परिवार है यार? टेनिस और चलो ऐसे। अरे भारत रुक। भारत रुक जा। भारत मेरी बात। टेनी की सहेली है वो रूपा। अच्छा नहीं लगता इतना प्यार से इनवाइट किया। तंग करके रखा। समझ सकते हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए रुक जाओ ना। और वो कब से तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा अर्जुन। पार्थ पार्थ है ना। अरे बच्चों की बात का बुरा नहीं मानते हैं। हाँ अरे हम तो बच्चे हैं। अब पागल है तो पागल ही सही। ठीक है तू खुश रहे। हाँ अच्छा चलो भाई चलो। आपने सही कहा था कि बच्चों की बात का बुरा नहीं मानते। तो क्या अब मैं भी आपके साथ बच्चा बन सकता हूँ? रूपा, इनको थैंक यू बोलना। पार्थ, शोरवरी, टेनी, थैंक यू सो मच कि तुम लोग यहाँ आए। बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए, बहुत मजा आया। सच में। कुछ देर के लिए तो हम अपनी सारी परेशानियाँ भूल गए। अभी हम बार बार आएंगे, फोन करती रहना मेरे को। हाँ बेटा, जब भी परेशानियों से आजादी चाहिए हो, बीवियों को मायके भेज दो, है कि नहीं? हेमा जी, अरे एक हंसने वाली सेल्फी। बच्चों, ऐसे ही हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। वो जो करता है ना, अच्छा करता है। बस ये अच्छा नहीं करता। चलते चलते अच्छा रूपा, अब हम चलते हैं। बहुत मजा आया, आया मजा कि नहीं? थैंक यू, थैंक यू आने के लिए। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.